नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी फ्रेंड्स, और 5 मार्च 2019 के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। सबसे पहली न्यूज़ जो हम आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, युवा विज्ञानी कार्यक्रम, फिर वन नेशन वन कार्ड स्कीम को भी लॉन्च किया गया। इसके थोड़ा बहुत बैकग्राउंड को देखेंगे ताकि पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाए। इसमें आपका AFC का इस्तेमाल हो रहा है, ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम। तो क्या है, किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, कौन कौन सी एजेंसी इसमें इन्वॉल्व हैं, सब देखेंगे। फिर एक IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बायो एनर्जी TCP है, इसको इंडिया ने ज्वाइन किया है। फिर अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट 2005 ऑर्डिनेंस आया है, तो इस एक ऑर्डिनेंस को आज मैंने इंक्लूड किया है फ्रेंड्स। इससे साथ साथ दो तीन ऑर्डिनेंस और हैं जिनको मैंने आज इंक्लूड नहीं किया है, या तो मैं उन पर अलग से वीडियो बना दूंगा या कल के करंट अफेयर्स में मैं उनको इंक्लूड कर लूंगा, ठीक है। आज के वीडियो में मैंने इतने टॉपिक्स को लिमिटेड रखा है ताकि आप ठीक से इस चीज़ों को समझ सको। क्वालिटी पे मेरा फोकस थोड़ा सा ज़्यादा है, ना कि क्वांटिटी पे। फिर रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की एक रीसेंट मीटिंग हुई है, तो जितनी भी मीटिंग्स इंपॉर्टेंट हुई हैं जो कि वन लाइनर इन्फॉर्मेशन में आपसे पूछी जा सकती है, इसकी बात करेंगे। प्लस रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड देखेंगे, इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है, इंडिया की क्या स्टैंडिंग है, इसके बारे में देखेंगे। और वन लाइनर न्यूज़ आज बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग हुआ है 2019 का, होगा भी मार्च में, इसकी बात करेंगे। फिर एक बुक लॉन्च हुई है, मन की बात और सोशल रेवोल्यूशन ऑन रेडियो, इसको देखेंगे। फिर कौशल भवन, ये क्या है देखेंगे। विश्व उमी यादम कॉम्प्लेक्स, ये किसके लिए है। फिर आज़ादी के दीवाने म्यूजियम बना है रेड फोर्ट में। फिर राइस नॉलेज बैंक आसाम, इसको लॉन्च किया गया है, कहाँ पर लॉन्च किया गया है, किसके अंदर लॉन्च किया गया देखेंगे। फिर जल अमृता स्कीम कर्नाटका में आई है, इसको देखेंगे। फिर मैनामती मैत्री एक्सरसाइज 2019 इंडिया बांग्लादेश के बीच में हुई, और कुछ और वन लाइनर न्यूज़ है जिनको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, अभी आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप फॉलो भी कर सकते हैं वहाँ पे। सबसे पहले बात करेंगे यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, जिसको युवा विज्ञानी कार्यक्रम भी बोलते हैं। इस कार्यक्रम को लॉन्च किसने किया, तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। किसके लिए लॉन्च किया, स्कूल चिल्ड्रन के लिए लॉन्च किया। ये प्रोग्राम करेगा क्या, उन स्कूल चिल्ड्रन को बेसिक नॉलेज देगा, बिल्कुल सतही नॉलेज देगा, एकदम डिटेल में बताएगा कि ये स्पेस टेक्नोलॉजी क्या होता है, स्पेस साइंस क्या होता है, स्पेस एप्लीकेशंस क्या होती हैं, और ताकि उन बच्चों का इंटरेस्ट पैदा किया जा सके, इंटरेस्ट जगाया जा सके इस स्पेस फील्ड से रिलेटेड एरियाज की तरफ, ताकि यही बच्चे अगर उसमें से कुछ बहुत लोग इंक्यूजिटिव हैं तो आगे जाके एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या स्पेस से रिलेटेड फील्ड्स में एंट्री मारे। तो ये एक रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, यानी एक जगह पर रख के आपको बकायदे 2 हफ्ते तक इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी आपकी समर हॉलीडेज के दौरान। देखिए, हमारे टाइम पे 2 महीने की समर हॉलीडेज होती थी, अब उनका ड्यूरेशन थोड़ा कम हो गया है, और उस ड्यूरेशन में भी बच्चों को बहुत अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग कराई जाती है, तो एक तरीके से ना के बराबर ही उनकी हॉलीडे हुई। तो इसमें क्या होगा कि 3 बच्चों को सुना जाएगा हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी से, और हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी से उनको कुछ इस तरीके से चुना जाएगा कि एक बच्चा CBSE का होगा, एक ICSE का होगा, और एक उस स्टेट सिलेबस के बोर्ड का होगा। और बच्चों की एलिजिबिलिटी क्या है कि उन्होंने 8वां स्टैंडर्ड पास कर रखा हो, 9वें स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, तो वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे। और ऑब्वियसली बात है, उन्हीं बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा जो काफ़ी अच्छे हैं पढ़ने में, जो प्रॉमिसिंग है, तो उनको ही इस प्रोग्राम के लिए रिकमेंड किया जाएगा। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है बच्चों की इंक्यूजिटिवनेस को बढ़ाने के लिए, और गवर्नमेंट को इस तरीके और प्रोग्राम्स भी नॉर्मली कराते रहने चाहिए। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लॉन्च किसने किया है, इसरो ने। फिर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, ये जो छोटे छोटे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है इसमें, वो भी आपके MCQs में पूछी जा सकती है, जहां तक अगर UPSC की बात है, क्योंकि UPSC अब छोटे छोटे और ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन को भी पूछने लगा है, तो हर चीज़ को आपको होलिस्टिकली प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर हम वन नेशन वन कार्ड की बात करेंगे। देखिए, वन नेशन वन कार्ड को हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च कर दिया है 4 मार्च 2019 को, अहमदाबाद में एक फंक्शन हुआ था, वहां से इसको लॉन्च किया गया है। ये ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी से रिलेटेड है। अब इसमें समझिएगा, द इंडिजीनियस ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम, AFS भी बोलते हैं इसको, ये किस पे बेस्ड है, वन नेशन वन कार्ड मॉडल पे, जिसको आप नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड भी बोलते हैं। तो ये नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पहला इस तरीके का कार्ड है पूरे देश में। इसको आप किस तरीके से यूज करेंगे, तो देखिए, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड तो होगा ही होगा, प्लस उसमें एक चीज होगी स्वीकार। स्वीकार क्या है, स्वचालित किराया, ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम, और स्वागत क्या है, स्वचालित गेट, यानी जो गेट है जिसके थ्रू आप एंटर कर रहे हैं बाहर आ रहे हैं वो भी स्वचालित है, और स्वीकार क्या है, किराया भी स्वचालित है। जैसे आप कार्ड दिखाओगे किराया अपने आप कट जाएगा,
तो एनसीएमसी स्टैंडर्ड्स, नेशनल कॉमन मोबिलिटी की स्टैंडर्ड्स को इसमें जोड़ा गया है, और ये बैंक इशू करता है इन कार्ड्स को, और एक तरीके से डेबिट क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड होते हैं ये, यानी कि पहले से या तो आप इसमें पैसे भरवा लो, ठीक है, या फिर आप इसमें पैसा क्रेडिट करके रखो, और ताकि जैसे जैसे आप इसको अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल करते जाएंगे पैसा आपके अकाउंट में से डेबिट होता जाएगा। इशू कौन कर रहा है इनको? बैंक इशू कर रहा है। अब सवाल आता है ये कि अभी तो देखिए इसको ट्रायल बेसिस पे शुरू किया गया है, इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, इसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपका ऑलमोस्ट सब कुछ आ जाता है फ्रेंड्स। मेट्रो स्टेशन आ जाता है, रेलवेज आ जाती हैं, ठीक है, और रेलवेज में भी आप समझिए सबमर्न रेलवेज, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका मुंबई में चलती है लोकल, तो लोकल आ जाएगी, बस आ गई, मेट्रोज आ गई, टॉल पार्किंग, आप पार्किंग में जाते हैं टॉल के थ्रू निकलते हैं तो वहाँ आपका पैसा कटता है, तो वहाँ पे भी ये कार्ड चल जाएगा। स्मार्ट सिटी कहा जा रहा है कि रिटेल में भी, यानी अगर आपको सामान खरीदना है ना जाके मॉल में, तो वहाँ पे भी ये कार्ड चलेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का सिस्टम है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सिस्टम है ऐसा नहीं कि कभी इस्तेमाल ना हुआ हो, यूएसए और यूरोप में इस तरीके के सिस्टम्स बहुत कॉमन है, पर इंडिया में नहीं है। इंडिया में आप देखो कि कोलकाता की मेट्रो में जाएंगे तो अलग कार्ड लगेगा, दिल्ली की मेट्रो में आएंगे अलग कार्ड लगेगा, मुंबई की मेट्रो में अलग कार्ड लगेगा, लखनऊ की मेट्रो में अलग कार्ड लगेगा। अब क्या होगा कि एक ऐसा कार्ड आ जाए जो सारी मेट्रो में चले, सारे देश के हर स्टेट की हर बस में चले, हर जो लोकल रेलवे है, जैसे चेन्नई का अपना एक लोकल रेलवे सिस्टम है, उसी तरीके से मुंबई का अपना लोकल सिस्टम है रेलवे का, तो वहां पे भी एक ही कार्ड चलने लगे, तो ये बहुत कम होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इसके लिए बहुत ज्यादा डिजिटाइजेशन की जरूरत है, तो इसीलिए इसको लेके आया गया है फ्रेंड्स, ठीक है ना, इस एनसीएमसी, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो कार्ड के अंदर पैसा होगा ना, तो उस कार्ड के अंदर स्टोर्ड वैल्यू को आप ऑफलाइन भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन सिस्टम के साथ एसोसिएटेड हो तभी आप इस कार्ड को यूज कर पाओगे, आप ऑफलाइन भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और पूरी कोशिश की जाएगी कि इसमें जो फाइनेंशियल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं उनको नुकसान ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन ने कोलकाता में कार्ड पहना खरीदा और वो पूरे इंडिया में घूम रहा है, तो जो भी ट्रांजेक्शन्स हो वो बहुत एफिशिएंट तरीके से होने चाहिए, तभी जिस भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वो यूज़ कर रहा है उसके पास एफिशिएंट तरीके से पैसा पहुंचाया जा सकता है। तो मंथली पासेस की भी सुविधा होगी इसमें, सीजनल टिकट्स की भी सुविधा होगी इसमें। फिर इसको लाने वाला कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यही लेके आया था इस नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को, ताकि अलग अलग मेट्रो सिस्टम्स और ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स में इसको लगाया जा सके। तो अभी ये इन्विजन हुआ है, अभी इसको लागू नहीं किया गया है। थोड़ा बहुत अगर आप इसके बैकग्राउंड की बात करोगे ना फ्रेंड्स, तो बैकग्राउंड कुछ इस टाइप का है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो देखिए इंडिया में इकोनॉमिकल और कन्वीनियंट मोड है ही, सबके पास तो देखिए अपनी कारें हैं नहीं फ्रेंड्स, ठीक है, कि वो कार से ऑफिस जा पाए ना, सबके पास अपनी बाइक है, तो ज़्यादातर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही चूज करते हैं, खासकर आजकल इतना ट्रैफिक लगता है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जैसी सिटीज़ में, कि अगर आपके पास कार है भी ना तो भी आप उसको सड़क पे लेके नहीं निकलोगे, आपको लगेगा कि यार लोकल से चला जाता हूँ या मेट्रो से चला जाता हूँ। अब ज़्यादातर केसेस में आप क्या करते हो, जब भी आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करते हो तो आप कैश से पैसा देते हो, कैश से ही देते हो आप, ऐसा तो है नहीं कि आप बस में चलोगे तो वहाँ पे अपना कार्ड स्वाइप कर रहे होगे, 20 रुपये किराया होता, 15 रुपये किराया होता तो आप पैसा देते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लो कॉस्ट कैश का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, यानी कम लो अमाउंट कैश इन्वॉल्वमेंट कह सकते हो, यानी यहाँ पे जो आप कैश का ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो 15 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 40-50 रुपये तक का होता है, ठीक है, तो उसमें भी रेवेन्यू लीकेजेस होते हैं, फिर कैश को संभालने का काम होता है। तो कहा गया है कि ये जो लो कॉस्ट के जो आपके ट्रांजेक्शन है ना, इनको भी हम डिजिटाइज करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा कुछ किया गया। इसके लिए आपको AFC सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, यानी ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम्स की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आपका बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जहां पे सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, गेट्स होने चाहिए, यानी मेट्रो में जो गेट्स लगे हैं उन गेट में कुछ इस तरीके का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, इस तरीके का रीडर होना चाहिए कि वो कार्ड को रीड कर ले, और फिर वो रीडर आपका ऑल ओवर इंडिया सेम होना चाहिए, क्योंकि कलकत्ता मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में, लखनऊ मेट्रो में, मुंबई मेट्रो में अगर सेम कार्ड चलाना है तो ऑब्वियसली बात है सेम सिस्टम होना चाहिए, रीडर का, गेट का, जहां से आप एंट्री मार रहे हो उसमें। तो काफी हद तक आपको चीजों को यूनिफॉर्म करना पड़ेगा, स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, और स्ट्रीमलाइन करने के लिए देखिए इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। अलग अलग जब मेट्रोज बनती है ना, तो हमारे यहाँ पे मेट्रोज में जो सिस्टम लगाए गए ना फ्रेंड्स, तो जिस भी कंट्री के साथ आपका जॉइंट वेंचर हुआ उसके हिसाब से आपने सिस्टम इंपोर्ट कर लिए, तो बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी हो गई। दिल्ली मेट्रो में अलग सिस्टम लगे हुए हैं, चेन्नई मेट्रो में अलग सिस्टम लगे हुए हैं,
ठीक है। बस में तो अभी कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई भी चढ़ जाता है, अभी भी टीटी चेक करता है आगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली की ब्लू लाइन बसों में अगर आप चढ़ जाओगे, बाहर जाके आगे उतरोगे, डीटीसी में भी चढ़ोगे और बाहर उतरोगे, तो कई कई जगह पे वहाँ कंडक्टर खड़े रहते हैं देखने के लिए कि भाई इसने टिकट लिया कि नहीं लिया। तो बहुत ज़्यादा आपको चीज़ों को डिजिटाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, तब आप ये जो वन नेशन वन कार्ड की स्कीम को जो आप एनविजन कर रहे हो उसको आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। खास बात यह है, ये जो डिजिटाइजेशन है और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मैनेजमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये इंडिजीनियस होनी चाहिए, यानी ये इंडिया के अंदर बनी होनी चाहिए। मेक इन इंडिया जब तक इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, तब तक पूरी इंडिया में इसको लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। साथ साथ ये जो कार्ड्स बनेंगे, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम में तो काम आएंगे ही आएंगे, आप इसमें रिटेल शॉपिंग भी कर सकते हैं मॉल वगैरह में जाके, तो इस चीज़ में भी काम आएंगे। तो इसमें बहुत सारे सेंटर्स को इन्वॉल्व किया गया है, ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व किया गया है। जैसे एक कमिटी बनी थी जिसमें रिप्रेजेंटेटिव थे नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर आप जाते हो फ्रेंड्स, जहाँ जो सारी वेबसाइट्स बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की। फिर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडैक के भी लोग थे, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के लोग थे, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसका कि रुपे कार्ड है उसके भी लोग थे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के भी लोग थे। तो इन सब लोगों ने मिलकर NCMC पे काफ़ी रिसर्च किया है, काफ़ी सोच की है, और उन्होंने अपनी अपनी राय दी है। और इस राय के चलते अभी एक कह सकते हो कि आप ट्रायल बेसिस पे DMRC में, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में, इस NCMC कार्ड के प्रोड्यूस यूज़ को शुरू किया गया है। ये जो पायलट रन है ना आपका NCMC कार्ड का दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में, इसको मिनिस्ट्री ऑफ MOHUA मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने 31 जनवरी 2019 को लॉन्च किया था। और इस पायलट के बेसिस पे ऑब्वियसली बात है, जो गलतियां निकलेंगी, जो खामियां निकलेंगी, उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी और इस सिस्टम को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश की जाएगी। तो देखिए ये वन नेशन वन कार्ड स्कीम कितनी सक्सेसफुल हो पाती है, वैसे देखा जाए तो आइडिया काफ़ी अच्छा है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बायो एनर्जी TCP के बारे में। अब ये क्या चीज़ है इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो क्या है कि कैबिनेट ने अभी इस चीज़ को अप्रूवल दे दिया है कि हम ज्वाइन करेंगे किसको, IEA बायो एनर्जी TCP। अब सवाल ये आता है कि IEA बायो एनर्जी TCP है क्या फ्रेंड्स। तो आप यहाँ समझ सकते हो फ्रेंड्स कि ये एक ग्रुपिंग है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस 25वां मेंबर है, यानी इंडिया 25वां मेंबर है। इसमें और कौन कौन से मेंबर, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम, ब्राज़ील, कनाडा, क्रोटिया, डेनमार्क, ऑस्ट्रोनिया, पढ़ सकते हैं यहाँ पे सारे मेंबर्स लिखे हुए हैं। अब होगा क्या कि ये जो आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन प्रोग्राम TCP बायो एनर्जी पे जो है, ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो कंट्रीज आपस में कॉपरेट करेंगी और आपस के कॉपरेशन को इम्प्रूव करने के साथ साथ वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगी एक दूसरे के साथ, ताकि बायो एनर्जी की रिसर्च में की जा सके, उसमें डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सके और बायो एनर्जी को एक अलग लेवल पे डिप्लॉय किया जा सके। यानी बायो एनर्जी रिसर्च को बढ़ाया जा सके, डेवलप किया जा सके, डिप्लॉय किया जा सके। तो इसीलिए इंडिया ने इस IEA बायो एनर्जी TCP को ज्वाइन किया है, जिसमें 25 कंट्रीज, और आप देख सकते हैं काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं इसमें। तो इससे कहा जा रहा है कि इंडिया को खासा फायदा मिल सकता है, किस फील्ड में, बायो एनर्जी के फील्ड में। इससे होगा क्या, हमारे देश की रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़ बढ़ेंगी, ठीक है, क्वालिटी बढ़ेगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। फिर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन को हम ज़्यादा डिसेमिनेट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ को कैसे डिप्लॉय किया जाएगा उस पर सोच सकते हैं, एनर्जी पॉलिसी डेवलपमेंट में किस तरीके से हम कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे इसको सोच सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये जो आपका IEA बायो एनर्जी TCP है फ्रेंड्स, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का एक फ्रेमवर्क है जिसके साथ इंडिया बहुत दिनों से इन्वॉल्व है। और बेसिकली देखा जाए कि ये बायो एनर्जी क्या होती है फ्रेंड्स, तो बायो एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी एक ऐसे मटेरियल से निकलती है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बना हो। उसको फ्यूल्स के मैन्युफैक्चर में भी काम में लाया जा सकता है, पेट्रोकेमिकल की जगह भी यूज़ किया जा सकता है, कुछ कुछ ऐसे भी आपके बायोफ्यूल्स आपको मिल जाते हैं फ्रेंड्स। सो पोटेंशियल बहुत ज़बरदस्त है बायोफ्यूल का फ्रेंड्स, जो हमारे आने वाले टाइम में 2050 तक कहा जा रहा है कि जो भी हमारी ग्लोबल प्राइमरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होगी, अगर हमने ठीक से इस बायो एनर्जी की फील्ड में काम किया, तो कहा जा रहा है कि 2050 तक हमारी टोटल प्राइमरी एनर्जी रिक्वायरमेंट का 25 से 33% इस बायो एनर्जी के थ्रू हम ला सकते हैं। तो इसलिए इंडिया का बायो एनर्जी ज्वाइन करना
वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से क्या इम्पॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से तो इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है ही। इंडिया कौन सा मेंबर है IEA बायो एनर्जी TCP का, तो याद रखिएगा 25वां मेंबर है। TCP क्या है, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन प्रोग्राम। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अभी एक ऑर्डिनेंस आया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट 2005 ऑर्डिनेंस। इस ऑर्डिनेंस में हुआ क्या है फ्रेंड्स, ऑब्वियस बात है यूनियन कैबिनेट ने इसको प्रोमुलगेट किया है, और इसमें एक सब सेक्शन 5 है सेक्शन 2 ऑफ SEZ एक्ट 2005 का, उसमें एक चीज़ है पर्सन, उस पर्सन की डेफिनेशन में कुछ चेंजेस किए हैं, और डेफिनेशन में चेंजेस करके ये बोला है कि इसमें ट्रस्ट को इंक्लूड किया जाएगा, और उस ट्रस्ट को ये भी परमिशन दी जाएगी कि वो इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एक यूनिट सेटअप कर सकता है। अब सवाल ये आता है फ्रेंड्स कि ये ट्रस्ट होते क्या है, तो देखिए ट्रस्ट को समझने के लिए आपको ट्रस्ट और सोसाइटी दोनों चीज़ों को समझना पड़ेगा। आपने कभी कभी सुना होगा फ्रेंड्स कि बहुत सारी चीज़ों को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर बनाया गया, तो ट्रस्ट और सोसाइटी को अगर आप कंपेयर करोगे ना फ्रेंड्स, तो ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको जब बनाया जाता है ना, तो उसका एम आपका प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, उसका एम होता है कि इन ट्रस्ट और सोसाइटीज के जो मेंबर्स हैं ना उनको बेनिफिट करना, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो ट्रस्ट और सोसाइटीज ऐसे दो ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप ट्रस्ट की बात करोगे तो उसको गवर्न करने वाला लॉ है इंडियन ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1882, और सोसाइटीज को गवर्न करने वाला लॉ है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। यहाँ पे ट्रस्ट और सोसाइटी को मैं एक साथ इसलिए लेके चल रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस उस केस में बनाए जाते हैं जहाँ पे इनके मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड किया जा सके, ये मेन होम होता है, ना कि प्रॉफिट कमाना। ठीक है, अभी देखिए फ्रेंड्स, ट्रस्ट एक ऐसा लीगल अरेंजमेंट है जिसमें एक पर्सन, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ अदर पर्सन उसकी प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखता है। अगर आप ट्रस्ट की बात करोगे ना, तो ये कहा जाता है ट्रस्ट में कि एक ट्रस्ट में कम से कम दो लोग होने चाहिए। जब आप एक सोसाइटी बनाते हो तो कम से कम 7 लोग होने चाहिए। तो सोसाइटी में क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ लोग मिल के काम करते हैं किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए, और ट्रस्ट में क्या होता है कि कम से कम 2 लोग होने चाहिए। ठीक है, एक वो जो जिसने उस ट्रस्ट को बनाया हो और उस ट्रस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे रहा हो, ताकि वो दूसरा वाला बंदा उसके बिहाफ पे काम करे। या फिर कभी कभी ट्रस्ट में ऐसा भी होता है कि एक ऐसा पर्सन होता है जिसने ट्रस्ट बनाया, उसने अथॉरिटी दूसरे को दे दी ट्रस्ट चलाने की, और बेनिफिशियरी कोई तीसरा पर्सन है, तो ये भी ट्रस्ट होता है। तो ट्रस्ट में मिनिमम 2 लोग होंगे, एक वो जिसने ट्रस्ट को बना के किसी दूसरे को दिया है ताकि दूसरा वाला पहले के बिहाफ पे उस काम को चलाए, तो उसको आप ट्रस्ट बोलते हो फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होते हैं, और आपके सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो बॉडीज होती हैं उनमें होते हैं आपके गवर्निंग मेंबर्स, उसकी खुद की गवर्निंग बॉडी होती है। तो यहाँ पे ट्रस्ट को भी इंक्लूड कर दिया गया SEZ एक्ट में। फॉर एग्जांपल, आपने मंदिरों के ट्रस्ट देखे होंगे, जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं फ्रेंड्स, वो उनको ट्रस्ट ऑपरेट करते हैं। ठीक है ना, अब मंदिर का ओनर कौन है, अभी तक तो कोई नहीं है, एंशियंट टाइम में कोई रहा होगा, उसकी लीनेज चली आई होगी, तो कुछ एक ट्रस्ट टाइप का बना हुआ है। उस ट्रस्ट में जो भी लोग होंगे ना, वो उस मंदिर के सारे अफेयर्स को देखेंगे, क्योंकि मंदिरों में बहुत सारा आपका डोनेशन आता है, सोना आता है, चांदी आती है, पैसा आता है, तो जो मंदिर के ट्रस्ट होते हैं ना, काफी रिच होते हैं फ्रेंड्स। तो इन्हीं ट्रस्ट को, ये तो मैंने बस एक एग्जांपल दिया है मंदिर के ट्रस्ट का, बहुत ऐसे तरीके के ट्रस्ट होते हैं, तो इन ट्रस्ट को आप परमिशन मिल गई है कि वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर अपनी खुद की यूनिट बना सकते हैं। फिर इस ऑर्डिनेंस के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को एक और पावर दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब इस पर्सन जो है आपका लिखा हुआ है ना, इस सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ SEZ एक्ट 2005 में, इस पर्सन की डेफिनेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट समय टू समय बदल सकता है, एक नोटिफिकेशन के थ्रू बता सकता है कि अब इस पर्सन में ये आएगा, अब इस पर्सन में ये आएगा। अब तक पर्सन का मतलब क्या था इसमें, SEZ एक्ट 2005 में, ये था भाई कोई रेजिडेंट जो इंडिया में रहता हो या इंडिया के बाहर रहता हो, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इसमें आती थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी आती थी, कंपनी आती थी, चाहे वो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड हो या बाहर इनकॉर्पोरेटेड हो, एक फर्म, प्रॉपर्टी कंसर्न और एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, पढ़ लीजिए, बोल बच्चन टाइप का है। तो ये सब आते थे पहले आपके पर्सन में। SEZ की बात करोगे फ्रेंड्स, तो देखिए SEZ को बनाया किस पर्सपेक्टिव से गया था, आपको ये समझना होगा। देखिए SEZ फ्रेंड्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। आपको पता है कि क्या होता है कि जब भी बिजनेस को बढ़ाना है, ट्रेड को बढ़ाना है, तो एक पूरे स्टेट को, एक पूरे कंट्री को बढ़ाना एक टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाता है, और SEZ आपको क्या सहूलियत देते हैं कि आप एक बड़ा सा एरिया को SEZ बना लो, जिसमें आप जबरदस्त वर्ल्ड ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करो, और वहां पे आके लोग अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो,
उस SEZ के अंदर। तो क्या होता है कि इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को तेजी मिलती है। इस SEZ के कंसेप्ट को हल्का फुल्का चाइना से कॉपी किया गया है, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, तो SEZ के कंसेप्ट को लाया गया है ताकि ट्रेड और इंडस्ट्री को तेजी से बढ़ाया जा सके, लोकलाइज लेवल पे एक पूरा SEZ बना के जहां पे यूनिट्स आके एनरोल कर सकती हैं। SEZ के बहुत पास बहुत सारे इंसेंटिव्स होते हैं, उनके पास टैक्स बेनिफिट्स होते हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होता है। फिर यहाँ पे जो डेवलपर्स होते हैं वो बहुत सारे फिजिकल और नॉन फिजिकल इंसेंटिव्स को भी फायदा उठाते हैं। फॉर एग्जांपल, बिना किसी लाइसेंस रिक्वायरमेंट के इम्पोर्ट कर सकते हैं। आप देखते हो कि फ्रेंड्स, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत सारे लाइसेंसेज होते हैं, जैसे DEEC लाइसेंस, EPCG लाइसेंस। अगर आपने इन लाइसेंस के बारे में कभी नहीं सुना है, कोई बात नहीं, ये कस्टम्स में काम आते हैं। तो अगर EPCG और DEEC लाइसेंस की अगर आपको ज़रूरत नहीं होगी, अगर आप SEZ में आपकी यूनिट है, क्योंकि वहाँ पे एक अलग ही आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। ठीक है, फिर SEZ में जो काम हो रहा है उसका रूटीन एग्जामिनेशन नहीं करेंगी कस्टम अथॉरिटीज। हालांकि वो कस्टम नोटिफाइड एरिया ही होता है, कस्टम वाले बैठते हैं वहाँ पे, बट उनकी पावर्स भी बहुत लिमिटेड हो जाती हैं वहाँ पे। बहुत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं SEZ को। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं फ्रेंड्स RCEP पे, जो कि है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी क्या हुआ है कि 16th RCEP पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज मिले हैं मिनिस्टर्स उनके, और ये बनी है आपकी 7th RCEP इंटरसेशनल मिनिस्टीरियल मीटिंग। ये हुई 2 मार्च 2019 को सीएम रीप कंबोडिया में। तो 7th रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इंटरसेशनल मिनिस्टीरियल मीटिंग कब हुई? 2 मार्च 2019 सीएम रीप कंबोडिया में। अब इसके साथ कुछ और मीटिंग्स का भी शेड्यूल आप देख लो फ्रेंड्स। सेकेंड स्पेशल ट्रेड निगोशिएशन मीटिंग हुई थी 25 से 26 जनवरी 2019 जकार्ता इंडोनेशिया में। फिर 25th रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की ट्रेड निगोशिएशन कमेटी की मीटिंग हुई थी, और रिलेटेड मीटिंग्स यानी मीटिंग एंड रिलेटेड मीटिंग्स हुई थी 19 से 28 फरवरी 2019 को बाली इंडोनेशिया में। और सेकेंड RCEP समिट हुआ 14 नवंबर 2018 को सिंगापुर में। तो अब इसमें से कुछ भी आपसे पूछ सकता है, बस रट लीजिए, बस इतना ही बोलूंगा मैं आपसे। क्योंकि अब मीटिंग ये थोक के भाव करवा रहे हैं तो रटना तो पड़ेगा ही, क्योंकि पीसीएस के सिंगल लाइनर्स में ये चीज़ पूछ दी जाती है। अब सवाल ये आता है कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जिस पे इतने दिनों से बहस चल रही है, हालांकि जो प्रोग्रेस है वो केवल 40 से 45% ही हुई है अब तक, इसमें आता कौन कौन है? तो पहली बात तो इसमें आएंगे 10 मेंबर स्टेट्स ऑफ एशियान, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के 10 नेशंस आएंगे, जो कि हैं आपके बर्मा, ब्रुनई दारुसलाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम वियतनाम। तो ये हो गया आपके किसके मेंबर्स? एशियान के मेंबर्स। उसके साथ इन एशियान के मेंबर्स का 6 मेंबर स्टेट्स के साथ FTA है, फ्री ट्रेड एरिया कह लीजिए। तो वो कौन से हैं? वो भी 6 मेंबर्स इस आपके RCEP में आ जाएंगे। वो 6 नंबर्स हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको मेंबर्स पता चल गया RCEP के। अब RCEP के बारे में कुछ बैकग्राउंड है फ्रेंड्स, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या है फ्रेंड्स, अभी तक RCEP में जो प्रोग्रेस हुई है ना, वो केवल 40 से 50% ही हो पाई है, और अभी बहुत सारा टाइम है कि कुछ सिग्निफिकेंट निकल के आएगा। अभी जो ये मीटिंग हुई है उसमें एग्जैक्टली क्या हुआ, कितनी प्रोग्रेस हुई है, तो आने वाले टाइम में कुछ दिनों में पता चल जाएगा, जब सारे न्यूज़पेपर्स अपना थोड़ा बहुत आइडिया देना शुरू करेंगे। पर हुआ ये था फ्रेंड्स कि सिंगापुर मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी ना जब, तो सिंगापुर मिनिस्ट्रियल मीटिंग ने बोला गया था कि इस एग्रीमेंट को फाइनलाइज करने की डेडलाइन को हम 2019 तक शिफ्ट कर देंगे। हालांकि 2019 में भी सॉल्व होती नजर नहीं आ रही थी। और जो सिंगापुर में मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में बवाल हो गया था। ये मीटिंग कब हुई थी? आपकी सेकेंड RCEP सबमिट हुई थी 14 नवंबर 2018 को। अब थर्ड RCEP, अभी तो ये मिनिस्टर की मीटिंग हो रही है, ट्रेड निगोशिएशन की मीटिंग हो रही है, तो इसका इतना फर्क नहीं है, लेकिन जब थर्ड RCEP समिट होगी तब कुछ कंक्रीट निकल के आएगा। तो जब ये सेकेंड RCEP समिट की जब मीटिंग हुई ना सिंगापुर में फ्रेंड्स, तो वहां पे इंडिया ने जापान और चाइना जैसी कंट्रीज को काउंटर किया। हुआ क्या कि सिग्निफिकेंट कंक्लूजन नाम की एक चीज को इसके टेक्स्ट में जोड़ा जा रहा था RCEP के टेक्स्ट में, पर इंडिया ने इसको रोका। इस सिग्निफिकेंट कंक्लूजन नाम की चीज को जोड़ कौन कौन रहा था? जापान जोड़ रहा था, चाइना जोड़ रहा था। अब इंडिया ने इसको इसलिए रोका क्योंकि जो सिग्निफिकेंट कंक्लूजन है ना फ्रेंड्स, ये कुछ कंट्रीज में ना लीगल फ्रेजेस हैं, और इस लीगल फ्रेजेस का मतलब ये होता है कि जो कुछ भी, जब भी आप किसी लीगल फ्रेज को ले आते हो, तो उसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि
जो कुछ भी आपने मार्केट एक्सेस से रिलेटेड अब तक बोला है आप उसको अप्लाई कर लोगे। और अब तक जापान और चाइना जिस तरीके के मार्केट टर्म्स को लेके आने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी इंडिया के फेवर में नहीं है। और इंडिया ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया 2018 में सिंगापुर मीटिंग में कि जो 16 चैप्टर्स हैं आरसीईपी के, उसमें लगभग 5 ही फाइनलाइज हुए हैं अभी, ठीक है। फिर मार्केट एक्सेस से रिलेटेड अभी कोई भी चैप्टर फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो आप किस तरीके से सिग्निफिकेंट कंक्लूजन को इस टेक्स्ट में डाल रहे हो, सिंगापुर मीटिंग आरसीईपी के टेक्स्ट में? तो जब ये बात इंडिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे देशों के सामने लेके गया तो उनको भी पता चला, और फिर सिग्निफिकेंट कंक्लूजन नाम का जो शब्द था टेक्स्ट में आरसीईपी के उस समय, उसको ड्रॉप किया गया, ठीक है। अगर देखा जाए कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के निगोशिएशंस कब शुरू हुए, तो जब कंबोडिया 2012 में एशियान समिट हुआ था वहां पे शुरू हुए थे। इसका काम क्या है कि भाई टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को मेंबर्स के बीच में से हटा देगा। अगर आप देखो तो दो सबसे मोस्ट मेजर मेंबर्स कौन से हैं आपके आरसीईपी के, इंडिया और चाइना। चाइना की जीडीपी अगर आप देखेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे, एक जीडीपी होती नॉमिनल बेसिस पे, एक होती परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे। परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे उस देश की महंगाई के हिसाब से जीडीपी को एडजस्ट कर दिया जाता है। तो फिर इंडिया और चाइना जैसे देशों की जीडीपी बढ़ जाती है परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें हैं उनके दाम सस्ते हैं वेन कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर ओरिजिनली इंडिया की जीडीपी 4 या 5 ट्रिलियन डॉलर है तो पीपीपी के बेसिस पे पहुंच जाएगी लगभग 9.5 ट्रिलियन डॉलर, और चाइना की जीडीपी पहुंचेगी पीपीपी के बेसिस पे 23.2 ट्रिलियन डॉलर, और परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे चाइना की जीडीपी दुनिया में नंबर वन पे आती है, ठीक है। अब देखिए आरसीईपी से इंडिया परेशान क्यों है, इंडिया परेशान इसलिए क्योंकि अगर अभी जो करंटली जो उसमें स्टेटस चल रहा है उस पे अगर आरसीईपी साइन हो गया तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत घाटा होगा, चाइनीज गुड्स को इंडियन मार्केट्स में और बाकी मार्केट्स में बहुत सारी जगहें मिल जाएंगी। फिर आरसीईपी कंट्रीज से आने वाले गुड्स पर इंडिया को बहुत हद तक कस्टम ड्यूटीज हटानी पड़ेंगी, और कस्टम ड्यूटीज एक बहुत मेजर रेवेन्यू का सोर्स है इंडिया के लिए। और अगर कस्टम ड्यूटीज हटा दोगे बाहर से आने वाली चीज़ पे इंडिया में, तो फिर वो चीज़ें हमारी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस चीज़ से सस्ती बिकने लगेंगी। और आप सोचिए फ्रेंड्स, अगर जो चीज़ हमारे इंडिया में बन रही है अगर वो महंगी बिक रही है और बाहर से कोई चीज़ इम्पोर्ट हुई वो सस्ती बिक रही, तो लोग क्या खरीदेंगे? लोग ये थोड़ा ना देखेंगे कि ये बाहर से आ रही है, ये हमारे ट्रेड डेफिसिट को हैम्पर कर रही है। लोग तो वही खरीद लेंगे जो उनको सस्ता मिल रहा है। तो इम्पोर्ट ड्यूटीज लगाने की जो पावर है ना इंडिया की, वो कम हो जाएगी अगर अभी करंट वाला जो टेक्स्ट है आरसीईपी उसके हिसाब से चले। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, इंडिया को आरसीईपी छोड़ना नहीं चाहिए, उसको आरसीईपी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अगर ये आरसीईपी की ग्रुपिंग ज्वाइन हो जाती है और इंडिया इसका पार्ट नहीं होता है तो जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं ना इन कंट्रीज में, वो काफ़ी हद तक जुड़ जाएंगे, क्योंकि इस ग्रुप के बाहर इंडिया के जो ट्रेड आपका शर्तें, जो ट्रेड यू नो कंडीशंस होंगी ना इस ग्रुप के साथ, वो काफ़ी हद तक बदल जाएंगे। क्योंकि इस ग्रुप के जो इंटरनल मेंबर्स हैं उनको तो बड़ा फायदा होने वाला है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में, लेकिन इस ग्रुप के जो बाहर चले जाएंगे उनको काफ़ी नुकसान हो सकता है, ठीक है। पर अभी भी इसको फाइनलाइज किया नहीं गया है और जल्दी ये फाइनलाइज होता नज़र भी नहीं आ रहा, ठीक है। फिर बहुत सारी वन लाइनर न्यूज़ है फ्रेंड्स, इसको देखेंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वन लाइनर न्यूज़ है तो ध्यान से देखिएगा। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का सेकेंड एडिशन हुआ है 2019 का, 5 से 6 मार्च 2019 को होगा मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली में। तो ये इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2019 दूसरा एडिशन है, मानेकशॉ सेंटर में हो रहा है नई दिल्ली में। इसमें क्या होगा कि भाई ग्लोबली रिनाउंड डोमेन एक्सपर्ट्स और पॉलिसी मेकर्स आएंगे 13 कंट्रीज ऑफ इंडो पैसिफिक से, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कनाडा, चाइना, इंडोनेशिया, इजराइल, जापान, सेशेल्स, सिंगापुर, साउथ कोरिया, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आते हैं। फिर हम आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, मन की बात अ सोशल रेवोल्यूशन ऑन रेडियो करके किताब है, जिसको अभी अभी श्री अरुण जेटली जी जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया है। इस किताब में है क्या, इस किताब में फ्रेंड्स जो अब तक 50 एपिसोड्स हुए हैं ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के मन की बात एपिसोड के, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के लोगों के सामने आके सीधे सीधे बात करते हैं, तो उनका पूरा चिट्ठा दे रखा है इस बुक में। और इस बुक को किसने कोलेक्ट किया है, ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन, इस नाम को ज़रूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और इसको पब्लिश किसने किया, रूपा पब्लिकेशन इंडिया ने, ये एक रेप्यूटेड पब्लिकेशन हाउस है, बहुत सारी नॉवेल्स भी इसकी छपती हैं, तो इस नाम को भी याद रखिएगा। तो दो नाम ज़रूर याद रखिएगा फ्रेंड्स इस बुक से रिलेटेड। फिर
श्री वेंकैया नायडू जी ने कौशल भवन का फाउंडेशन स्टोन डाला है। तो अब आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है सकता है कि ये कौशल भवन एक्चुअली में है क्या चीज़। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप और जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ऑफिसेज काम करेंगे उनके लिए जगह की ज़रूरत है, तो वो सारे ऑफिसेज इस कौशल भवन में होंगे। तो कौशल भवन बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSDE के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए और उससे एसोसिएटेड डिपार्टमेंट्स और ऑफिसेज के लिए बनाया जा रहा है। कौशल भवन को 1.354 एकड़ के प्लॉट में बनाया जाएगा न्यू मोती बाग में। पैसा कितना खत्म होगा? 172 करोड़ रुपए। फिर अभी अभी फ्रेंड्स, विश्व उमिया धाम कॉम्प्लेक्स का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है जसपुर अहमदाबाद में। ये विश्व उमिया धाम बेसिकली आपका जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, उनसे डील करता है। तो ये जो विश्व उमिया धाम है जसपुर अहमदाबाद में, ये क्या करता है कि हमें बताता है कि जो हमारे सेंट्स थे, जो हमारे सीयर्स थे, उन्होंने हमें क्या नॉलेज दे के गए हैं, उन्होंने कैसे हमको आगे का रास्ता अच्छा दिखाया है। खासकर यहाँ पे जो भक्ति काल के जो सेंट थे ना, जैसे कि आप कबीर हो गए, गुरु नानक देव हो गए, रैदास हो गए, इन्होंने जो राह दिखाई है, गुरु नानक देव भी इसमें आते हैं, मीराबाई जी इसमें आती हैं, सूरदास इसमें आते हैं, तो ये जितने भी लोग हैं इन्होंने लोगों को आगे चलने की राह दिखाई है, एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग दी है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद किया गया इस विश्व उमिया धाम कॉम्प्लेक्स से। तो विश्व उमिया धाम कॉम्प्लेक्स इज रिलेटेड टू सेंट्स एंड सीयर्स ऑफ इंडिया, ये याद रखिए। बन कहाँ रहा है? अहमदाबाद जसपुर में, ये याद रखिए। फिर अभी अभी एक आज़ादी के दीवाने करके म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया रेड फोर्ट में। ये पांचवा म्यूजियम है। इस म्यूजियम को इनॉग्रेट किया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। तो रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स को ये कॉम्प्लेक्स में पांचवा म्यूजियम है। ये जो म्यूजियम है आज़ादी के दीवाने, ये उन लोगों को होमेज देता है जो अनसंग हीरोज है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के। देखिए, हमारे देश के लिए मर मिटने वाले लोगों में कुछ ऐसे भी लोग हैं फ्रेंड्स, जिनके नाम तक हम नहीं जान पाए, जिनके बारे में लोग जान ही नहीं पाए कि इन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, कुर्बान कर दिया अपने आप को। तो उनको ऑनर करने के लिए आज़ादी के दीवाने म्यूजियम बनवाया गया है। तो ये आज़ादी के दीवाने रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर बनने वाला पांचवा म्यूजियम है। इससे पहले जो चार म्यूजियम से उनकी बात कर लेते हैं, तो एक तो है सुभाष चंद्र बोस एंड INA, इंडियन नेशनल आर्मी म्यूजियम। फिर है याद ए जलियां म्यूजियम, जो कि जलियां वाला बाग की ट्रेजेडी को कोमोमोरेट करने के लिए है। फिर उसके बाद है म्यूजियम ऑन 1857 इंडियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे है। और चौथा है दृश्य कला म्यूजियम ऑन इंडियन आर्ट, और पांचवा क्या आ गया? आज़ादी के दीवाने म्यूजियम, तो याद रखिएगा। फिर आता है फ्रेंड्स आपका राइस नॉलेज बैंक आसाम। इसको ऑब्वियसली बात है आसाम में लॉन्च किया गया, नाम ही में आसाम है। किस प्रोजेक्ट के अंदर लॉन्च किया गया? वर्ल्ड बैंक फंडेड अपार्ट प्रोजेक्ट के अंदर लॉन्च किया है। अपार्ट का प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म क्या है? एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये एक एग्रीकल्चर का वेब पोर्टल है जिसमें राइस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज होती हैं, और जो टेक्निक्स होती हैं ना, उनको और सुधारने की कोशिश की जाएगी। तो राइस प्रोडक्शन से रिलेटेड ये पोर्टल है आपका, राइस नॉलेज बैंक आसाम में है ये। वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट अपार्ट के अंदर आता है। फिर अभी अभी हुआ है फ्रेंड्स कि हमारे एम्बेसडर नए अपॉइंट किए गए हैं सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम के लिए। इनका नाम है प्रणय कुमार वर्मा, 1994 के ये इंडियन सर्विसेज ऑफिसर हैं ये। फिर अभी अभी 15th फाइनेंस कमीशन के जो नए मेंबर बने हैं वो है अजय नारायण झा। और ये जो अजय नारायण झा है ना, ये उस वैकेंट सीट पे आए हैं जो कि शक्तिकांता दास जी के जाने से बनी है। शक्तिकांता दास जी 15वें फाइनेंस कमीशन के मेंबर थे, पर आपको पता है उर्जित पटेल जी ने ये बोला कि मैं अपने पर्सनल रीजंस की वजह से रिजाइन कर रहा हूँ। हालांकि आप सबको ही मालूम पड़ गया कि वो उनके पर्सनल रीजंस थे नहीं, वो गवर्नमेंट के हिसाब से काम करना चाहते नहीं थे, तो गवर्नमेंट अपना एक पुपट कह सकते हो बैठाना चाहती थी इस प्लेस पे, तो गवर्नमेंट ने बैठा दिया शक्तिकांता दास जी को। शक्तिकांता दास जी जब RBI गवर्नर बने तो 15th फाइनेंस कमीशन में जगह बच गई, तो वहां पे आगे कौन? अजय नारायण झा जी। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, एसो कैम ने अभी अभी नॉन लाइफ इंश्योरर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 दिया है। किसको दिया है? भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस को। तो ये वन लाइन में इंफॉर्मेशन है, सीधी सीधी आपसे क्वेश्चन पूछी जा सकती है। फिर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, जल अमृत नाम की एक वाटर कंजर्वेशन स्कीम शुरू की गई। कहाँ शुरू की गई है? कर्नाटका में शुरू की गई है, कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके थ्रू पीपल को अवेयर बनाया जाएगा कि किस तरीके से वाटर को कंजर्व किया जाए और किस तरीके से ऐसे नॉवल मेथडोलॉजीज को वो हमारे सामने लेके आए जिससे पानी का वेस्टेज ना हो। और कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने 2019 को ईयर ऑफ द वाटर डिक्लेयर किया है। तो कौन सा स्टेट है जिसने 2019 को ईयर ऑफ वाटर डिक्लेयर किया है?
कर्नाटका गवर्नमेंट। जल अमृत स्कीम कौन लेके आया है? कर्नाटका गवर्नमेंट, दिमाग में रखिएगा। फिर अगली आती है मैनामती मैत्री एक्सरसाइज 2019। मैनामती मैत्री एक्सरसाइज हुई है अगरतुला त्रिपुरा में। सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये दिमाग में रखिएगा, हुई किसके किसके बीच है? इंडिया के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के बीच में हुई है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था भाई? एंटी स्मगलिंग और एंटी क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटेड ऑपरेशंस को रोकना है और दोनों तरफ की फोर्सेस में जॉइंट ऑपरेशनल एफिशिएंसी हो, साथ साथ बॉर्डर मैनेजमेंट तरीके से किया जाए इस एरिया का। इस चीज को इस मैनामती मैत्री एक्सरसाइज 2019 के थ्रू और ज्यादा सुधारने की कोशिश की गई है। फिर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने अभी एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फॉर लॉन्गेस्ट सिंगल लाइन बाइसिकल परेड मूविंग ऑन यमुना एक्सप्रेस वे। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के पर्सनल हैं, इन्होंने लगातार एक लाइन में 1327 साइकिल चलाई हैं नॉन स्टॉप, और हर साइकिल के बीच में उतना ही गैप था। तो पहले ये रिकॉर्ड था आपका हुबाली बाइसिकल क्लब ऑफ इंडिया के पास, जिसमें 1235 बाइसिकल चली थी। अब इस रिकॉर्ड को सीआईएसएफ ने तोड़ दिया, जहां पे 1327 बाइसिकल चली हैं। फिर अभी अभी एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है फ्रेंड्स कि इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस ने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है बैंक लॉकर प्रोटेक्टर पॉलिसी। तो याद रखिएगा, इसको लॉन्च किसने किया? इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस ने। यह पहला स्टैंड अलोन बैंक लॉकर कवर ऑफर्ड है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, जिसके थ्रू इंश्योरेंस कंपनी जो लोग भी वहां पे लॉकर में आके सामान रखते हैं, ठीक है ना। देखिए आपको पता है फ्रेंड्स कि बैंकों में बहुत सारे लॉकर्स होते हैं, उस लॉकर में जाके आप अपने गहने रख देते हैं, इंपॉर्टेंट कागजात रख देते हैं, तो उनको सिक्योर किया जा सके इसकी इंश्योरेंस किसने प्रोवाइड की है? इस इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस में। उसके अंदर जो भी कंटेंट्स होंगे उन कंटेंट्स को ऑब्वियसली आपको डिक्लेयर करना होगा, तो ज्वेलरी टाइटल डॉक्यूमेंट्स और जो अदर वैल्यूएबल्स हैं उनके ऊपर आपको कवरेज मिलेगा, और वो कवरेज फायर के अगेंस्ट में होगा, बर्गली चोरी हो जाती है उसके अगेंस्ट में होगा, अर्थक्वेक के अगेंस्ट में होगा, या फिर कोई टेररिज्म होता है तो उस एक्ट के अगेंस्ट में होगा। तो बैंक लॉकर प्रोटेक्टर पॉलिसी है, लेके कौन आया? इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस, याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने सारे इंक्लूड कर दिए, कुछ ऑर्डिनेंस बचे हैं फ्रेंड्स जो कि मैं कल इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। ऑलरेडी वीडियो लगभग 40 मिनट की हो गई है, तो अच्छा ही हुआ कि मैंने बाकी टॉपिक्स नहीं जोड़े, नहीं तो वीडियो 50-55 मिनट में चली जाती। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर लेना फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हो सके तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों का साथ शेयर करें, और मुझे अपने कमेंट्स बताएं कि वीडियो कैसी लग रही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय एंड टेक केयर।